हालेलुया, प्रभु को सारी महिमा मिले और हम चाहते हैं कि आप बैठ जाए। अक्सर हमने देखा है, गाना सबको अच्छा लगता है, खाना सबको अच्छा लगता है और डांस जो होता है वो भी अच्छा लगता है, लेकिन जो परमेश्वर का जो वचन है ना, अक्सर उसको सुनने का दिल नहीं करता। लेकिन क्या करे, मुझे सुनाने का बहुत दिल करता है। हालेलुया। और आज मैं कहता हूँ आपसे यीशु मसीह के नाम में, आज प्रभु आप सबसे बात करेगा। मैं कुछ ज़्यादा प्रचार नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा प्रचार करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद आज हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। परमेश्वर आज तुम्हारी जिंदगी को झकझोरने वाला है। हालेलुया। अभी तक जितने भी क्रिसमस आपने देखे वो अलग होगा, लेकिन आज का क्रिसमस आपके लिए अलग होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर सच में आपको छूने वाला है, आज प्रभु आपसे बातें करने वाला है और आज आपकी जिंदगी में कुछ होने वाला है। हालेलुया। सो आइए हम मैं पढ़ूंगा, आप सिर्फ सुनना है आपको। जो कुछ भी है ये बाइबल से है, पवित्र शास्त्र से है, और जैसे क्रिसमस है तो कुछ तो बनता है कि हम प्रभु के बारे में बोले और बात करें। हालेलुया, हालेलुया। शादी में भी जब किसी की शादी रहती है तो उनके बारे में कुछ तो भी बोला जाता है, बर्थडे में भी कुछ तो बोला जाता है ना। सो क्रिसमस है यानी कि यीशु मसीह का जो जन्म उत्सव जिसे हम कहते हैं, तो फर्ज बनता है, हक है बोलने का प्रभु के बारे में, तो हम थोड़ा बहुत तो बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लूका की पुस्तक 2:10 लिखा है, मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ जो सबके लिए होगा। हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है कि आप मत डरो और मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ जो सबके लिए होगा। हालेलुया। क्रिसमस किसके लिए है, क्रिसमस किसके लिए है, आप सब बोल ही नहीं रहे। क्रिसमस सबके लिए है। इस दुनिया में कुछ ऐसे त्यौहार है जिसको कहते हैं सार्वजनिक, यानी कि सब जन के लिए, सब लोगों के लिए। हालेलुया। और मैं आपसे ये कहूं, कोई त्यौहार माना सबके लिए नहीं है तो भी खुदा तो सबके लिए है। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हॉस्पिटल किसके लिए है? अगर आपने नहीं बोला तो आप एडमिट हो सकते हैं। मैं जब यहां से कह रहा हूं तो याद रखना, उसमें पावर है। आपने बोलना है, बैठे बैठे बोल नहीं सकते तो क्या करोगे, आप सोओगे? हॉस्पिटल किसके लिए है? मेडिकल किसके लिए है? स्कूल किसके लिए है? कॉलेज किसके लिए है? गार्डन किसके लिए है? रिसोर्ट किसके लिए है? मॉल किसके लिए है? थिएटर किसके लिए है? सूरज किसके लिए है? चांद किसके लिए है? हवाएं किसके लिए है? और बरसात किसके लिए है? तो खुदा किसके लिए है? हालेलुया। परमेश्वर सबके लिए है। आमीन। हालेलुया। अगर किसी औरत को 10 बच्चे हो तो 10 बच्चों की मां कितनी होगी? हालेलुया। इस दुनिया में बहुत अजीब है कि एक बच्चे की 2 मां हो, लेकिन एक औरत के 10, 15, 20 बच्चे हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो गॉड इज फॉर ऑल, परमेश्वर सबके लिए है। और जैसे हमने आपको कहा, लिखा है मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं जो सबके लिए होगा। यीशु मसीह का इस दुनिया में जन्म लेना और आना सबके लिए था। हालेलुया। क्योंकि लिखा है जो सबके लिए होगा। हालेलुया। फिर मत्ती 1:21 में लिखा है, वह पुत्र जनेगी, जिसको आप मदर मेरी कहते हैं,
मदर मेरी हालेलुया। लिखा है वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु नाम का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारा उद्धार करता, हमारा उद्धार करने वाला, परमेश्वर हमारा पाप क्षमा करने वाला। पहले से भविष्यवाणी हुई थी कि वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, हालेलुया, और वह लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, हालेलुया। मैं एक बात आपसे कहूं, ध्यान से सुनिए। आज पाप इंसान के अंदर बसा है और इंसान पाप के अंदर फंसा है, हालेलुया। आज पाप जो है वो इंसान के अंदर बसा है और इंसान पाप के अंदर फंसा है, हालेलुया। रोमियो 7:15-20 हम पढ़े तो ऐसा लिखा है, मैं जो नहीं करना चाहता वो मैं करता हूं और जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, क्योंकि मुझ में पाप बसा हुआ है, हालेलुया। कई लोग कहते मैं पापी नहीं हूं, मैंने कोई पाप किया ही नहीं है, और परमेश्वर का वचन कहता है पाप अंदर बसा है। कहां बसा है पाप? आप कहां बैठे हैं? नहीं, आप कहां बैठे हैं? हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ी राज की बात जो परमेश्वर हमें बता रहा है कि आज जो पाप है वो मनुष्यों के अंदर बसा हुआ है। सब झूठ, चोरी, गाली, झगड़ा, बेईमानी, घपला घोटाला, हर एक चीजें जो है अंदर से निकलती हैं। सो पाप कहाँ बसा हुआ है? अंदर बसा हुआ है, हालेलुया। और जब तक यीशु मसीह दिल के अंदर नहीं आएगा, ये अंदर का पाप बाहर नहीं आएगा, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में पाप एक ऐसी चीज है जिसके लिए आज तक कोई भी शैम्पू, साबुन, तेल नहीं निकला, इसीलिए पाप अंदर से नहीं निकला। सिर्फ परमेश्वर है जो पापों को क्षमा करने की ताकत रखता है। खुदा को छोड़ कोई भी किसी का पाप क्षमा नहीं कर सकता, चाहे नदी में नहाओ या चाहे कहीं जाके तीर्थ यात्रा करके आओ। पाप जो होता है वो लोगों के अंदर बसा होता है। नदी में नहाने से शरीर की मैल जा सकती है, मन की नहीं, हालेलुया। सो प्रभु का वचन कहता है पाप लोगों के अंदर बसा हुआ है। अब जब पाप लोगों के अंदर बसा है तो उसको निकाले कैसे? पाप एक ऐसी चीज है हम उल्टी करके नहीं निकाल सकते। पाप एक ऐसी चीज है जिसको परमेश्वर ही निकाल सकता है, हालेलुया। और जब परमेश्वर अंदर जाता है तो पाप को बाहर आना ही पड़ता है, हालेलुया। जब बिजली जलती है अपने आप अंधेरा, लेकिन जब तक बिजली ना जले अंधेरा राज करता है, अंधकार छाया रहता है। पर जैसे ही अगर किसी रूम में, किसी जगह में अगर बिजली चमक जाए तो पूरा अंधेरा चला जाता है। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, हालेलुया, मैं जगत की ज्योति हूं। आज यीशु मसीह सच में वो जगत की ज्योति है और सबके जिंदगी की ज्योति है। अगर वो हमारे दिल के अंदर अगर आ जाए तो वो ऐसे चमकता है कि पाप का अंधेरा चला जाता है, हालेलुया। मेरे प्यारों, इस दुनिया में इंसान आया, उसने बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ कमाया, लेकिन आज इंसान पाप से बाहर नहीं आ पा रहा है। दुनिया में रोज पाप बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि लोग पापों में फंसे हैं और पाप जो है उनके अंदर बसा हुआ है। और लिखा है कि जो मैं नहीं चाहता वो मैं करता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों आता है,
पता नहीं मेरे मुंह में गाली कहां से आती है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता लेकिन पता नहीं मेरा मूड घूम जाता है, मेरा दिमाग सटक जाता है और मैं ऐसा कर देता हूं। मैं सोचता हूं ना पीऊं लेकिन पता नहीं कौन तो भी मुझे बोलता पी 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 और मैं पी लेता हूं। कई लोग कहते मैं नहीं चाहता मेरी बीबी को मारूं लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं उसको बहुत मारता हूं। पाप अंदर बसा है, ध्यान से सुनो, पाप अंदर बसा है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे जीवन का जो पाप है वो हमें पाप करने को लगाता है। जब तक कचरा घर के अंदर पड़ा रहेगा बदबू तो आएगी। कचरा अगर निकाल के बाहर फेंक दिया जाए तो फिर खुशबू आएगी, सुकून आएगा, शांति आएगी, अच्छा लगेगा, जिंदगी का मजा आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनको कचरा बहुत पसंद है, वो फेंकना ही नहीं चाहते। अगर किसी को शराब छोड़ो तो बोलता है अरे यही तो जिंदगी है, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। आज लोग पाप में डूबे हैं, पापों में मजा ले रहे, पाप छोड़ना नहीं चाहते, पाप से मुक्ति पाना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। हिमालय पर्वत पर चले जाने से पाप क्षमा नहीं होता, किसी नदी में जाके नहा लेने से पाप क्षमा नहीं होता, और कोई तरह के दीक्षा लेने से पाप क्षमा नहीं होता। पाप एक ऐसी चीज है जो मनुष्यों के अंदर बसा है और उसको निकालने वाला सिर्फ सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। इस दुनिया में किधर भी आप चले जाओ, जहां भी अंधेरा है आप उसको नहीं हटा सकते, कितना भी कुछ भी करो वो एक ही रास्ता है। जब तक वहां पे लाइट नहीं जलेगी वो अंधेरा जाएगा ही नहीं। हालेलुया। सो जब तक परमेश्वर हमारे दिल में नहीं आएगा, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, हमारा पाप नहीं जाएगा और पाप की जो आदत जो लत है वो भी नहीं जाएगी। इसके लिए यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया तो वो सब के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ लोग कहते हैं, मैं और एक चीज आपको कहूंगा, लूका 5:32 लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात कही, क्या कहा, मैं धर्मियों को नहीं, मैं शरीफों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया। और अगर आपका कोई भी प्रोग्राम फंक्शन रहेगा तो पापी को कोई बुलाना नहीं चाहता है, सब लोग अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढ के बुलाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। डॉक्टर उन लोगों के लिए नहीं है जो भले चंगे हैं, डॉक्टर उनके लिए है जो लोग बीमार हैं। हालेलुया। दुनिया में कहते हैं खुदा पापियों का नाश करता है, और मैं ये कहना चाहता हूं इस दुनिया में कौन पापी नहीं है। हालेलुया। अगर खुदा पापियों का नाश करने लगेगा तो इस दुनिया में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि सबके अंदर पाप बसा हुआ है। ये बोलना भी कि मैंने कोई पाप नहीं किया है बहुत बड़ा पाप है। आदमी सबसे ज्यादा पाप सोचने में करता है, दूसरा पाप वो देखने में करता है, तीसरा पाप बोलने में करता है, और आदमी कभी भी अपने सोचने का, देखने का, बोलने का रिकॉर्ड कभी नहीं रखता। जो मन में आया सोच लिया, जो आंख में दिखा देख लिया, जो मुंह में आया बोल दिया, और कहते हैं नेक काम करो, नेक काम करो सारे पाप कट जाएंगे। ये किसने बोला मालूम है, बाबा लोगों ने, साधु लोगों ने, महाराज ने बोला। नेक काम करने से पाप कटता ही नहीं है। आप सिर्फ जिंदगी में एक बार मर्डर करो, एक बार मर्डर करो, और उसके बाद जाके हजारों नेक काम करो,
क्या पुलिस आपको छोड़ देगी? अरे बोलो ना यार, मतलब आपको सब मालूम है। अरे बेचारे ने एक ही मर्डर किया है, ज्यादा नहीं किया है, हजारों नेक काम उसने किए हैं, तो क्या पुलिस उसे छोड़ देगी? क्यों? कहते हैं नेक काम करो, नेक काम करो। मैं आपको हकीकत बोलना चाहता हूं, इस दुनिया में कौन नेक काम करता है? जो भी करते हैं दिखावे के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी बड़ाई के लिए। और अगर माना जिंदगी में साल में दो चार दस नेक काम कर दिया लेकिन हजारों बुराई किया, अगर तौला जाएगा तो पाप ज्यादा निकलेगा। और तराजू तो तराजू है, चाहे टमाटर हो, चाहे कांदा हो, चाहे बटाटा हो, जो ज्यादा रहेगा वो वही बताएगा। हेलो हेलो। सो आज इंसान का नेक काम किधर है ज्यादा? हमने एक शायरी लिखी है, बेवकूफों की कोई कमी नहीं है जमाने में, दुनिया लगी है एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में। ये जल्दी समझ गया, क्योंकि दुनिया इसी में लगी है ना। हालेलुया हालेलुया। सो यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं, और डॉक्टर जो होता है वो बीमारों के लिए होता है। हालेलुया। और लोग कहते हैं कि परमेश्वर पापियों का नाश करता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या डॉक्टर वो है जो बीमारों को मार डालता है? क्यों? वही डॉक्टर है ना, सब बीमारों को मार डालता है, जिसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, एड्स, मिर्गी, ये वो बीमारी है मार डालो, बीमारी है मार डालो, वही डॉक्टर है ना। आप जाएंगे ऐसे डॉक्टर के पास? आप क्या बोलेंगे? अरे यार बहुत खतरनाक डॉक्टर है, मालूम पड़ेगा तुम बीमार है मार डालेगा। सो डॉक्टर किसे कहते? जो बीमारी को निकाले और बीमार को बचा ले, वो डॉक्टर है। सही बात है। सो परमेश्वर उससे कहते हैं जो पाप को खत्म करे और पापी को जिंदगी दे। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को बुलाने आया, पापियों को, ताकि पापी लोगों के पाप क्षमा हो जाए और पापी को जिंदगी मिल जाए। हालेलुया। सो परमेश्वर वो नहीं है जो पापियों का नाश करता है, परमेश्वर वो है जो पाप को खत्म करे और पापी को जीवन दे। डॉक्टर वो है जो बीमारी खत्म करे और बीमार को जिंदगी दे, उसको बचाए। हालेलुया हालेलुया। एक आखिरी वचन मत्ती 5:11-28 लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज जो पाप है इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ है, कर्जा नहीं, बीमारी नहीं, दुख नहीं, परेशानी नहीं, पाप जो है वो सबसे बड़ा बोझ आज इंसान के जीवन पर बना हुआ है। और जो विश्राम है वो है क्षमा। हालेलुया। पाप सबसे बड़ा बोझ है इस दुनिया में, सबसे बड़ा बोझ, इतना बड़ा बोझ कि दुनिया का कोई भी माइकल लाल अपना ये बोझ हटा ही नहीं सकता। पाप एक ऐसा बोझ है जिसको उठाने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जब इंसान के पाप क्षमा हो जाते हैं तब जाके उसको विश्राम मिलता है। हालेलुया। उसको शांति मिलती है, उसको सुकून मिलता है, उसको जिंदगी का मजा आता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि जब तक घर के अंदर कचरा पड़ा रहेगा है ना, कैसा तभी घुटन सी होती है, लेकिन एक बार वो कचरा पूरा बाहर चला जाए, इतनी राहत मिलती है, शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। सो यीशु मसीह पापियों को बुलाने आया। और आज यहां बैठा हुआ कोई आदमी कह सकता है कि मैं पापी नहीं है? अगर किसी ने कहा मैं पापी नहीं है तो ऊपर से एक आवाज आएगी, तू महापापी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो पापी नहीं है।
सब पापी है, सब सब पापी है। आदमी की पैदाइश ही पाप में होती है। कई लोग कहते हैं छोटा सा बच्चा है उसने क्या पाप किया। हालेलुया, वो बच्चा भी पापी है। क्यों? वो पापी का बच्चा है। हापुस आम का जो उस गुटली में से जो पेड़ निकलेगा उसको कौन सा कहेंगे आप? हाँ, नहीं समझ रहे आप। हालेलुया, सब इस दुनिया में जितने भी हैं सब पाप का ही खून है, पाप का ही बीज से सब पैदा होते चले गए। फिर चाहे वो बच्चा हो चाहे जवान हो, वो कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है सब के सब पापी है। हालेलुया। और लिखा है जो अपने अपराधों को अपने पापों को मान लेता है मैं उसको क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर हूं। और लिखा है जो अपने पापों को नहीं मानता मैं उसे दंड देता हूं। परमेश्वर सिर्फ उस पापी को दंड देना चाहता है या देगा उसे जो अपने पापों को मानना नहीं चाहता, अपने पापों का पश्चाताप नहीं करना चाहता और वो पापों को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे को परमेश्वर दंड नहीं देगा तो और क्या देगा। लेकिन प्रभु बहुत प्यार करता है, वो चाहता है हर एक पापी को जीवन मिले, हर एक पापी के पाप क्षमा हो जाए, वो सुखी रहे, खुश रहे। हालेलुया। लेकिन कभी कभी पापी लोगों को बहुत मस्ती रहती है, उनको सुधरने का मौका दो तो सुधरना नहीं चाहते, उनसे कहो माफी मांग लो तो वो माफी नहीं मांगना चाहते। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु आज बुला रहा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। इस दुनिया में अगर हम आज अगर हम देखें लोगों के पास घर है, पैसा है, काम धंधा है, सब कुछ है, आदमी दिन में 3 टाइम खाता है, 8 घंटे सोता है, फिर भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, क्योंकि पाप अंदर बसा हुआ है। एक बार पाप निकल जाए आदमी को रोड पे सुला दो तो भी सुकून से सो जाता है, थोड़ा भी खाएगा उसका पेट भर जाता है। पाप अंदर रहेगा कितना भी खिलाओ, पूरा होटल का खिलाओ तो भी बोलेगा पेट नहीं भरा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों आखिरी बात बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। चले तो आए हम यहां में खुदा के लाने से, चले तो आए हम यहां में खुदा के लाने से, पर अब तक हमने क्या किया है खुदा के बताने से। अरे आप लोग खुश हो गए, आप लोग तो खुश हो गए, मतलब हाँ हमने कुछ नहीं किया खुदा के बताने से। ये आपने ही ताली बता रही आपकी, मतलब आप ये बता रहे कि हाँ हम उसमें के ही है। हालेलुया। ये जिंदगी जिंदगी देने वाले के काम आना चाहिए, नहीं तो ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भी जीवन में पाप बसा हुआ था, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, ग्रहण किया, मेरे अंदर का सारा पाप बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों मैं यही बोल के मैं ख़त्म करूँगा कि आपकी ज़िंदगी में अगर आपके पाप क्षमा नहीं हुए, मेरा एक सवाल है, आज की रात अगर आप मर जाएंगे आप कहाँ जाएंगे? सोचो आज की रात अचानक से आपका प्राण निकल गया, आप कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे? सब लोग यही बोलते हैं। बच्चे को पूछो, जवान को पूछो, शादीशुदा को पूछो, बुड्ढों को पूछो, बुड्ढी को पूछो, सब यही बोलते हैं। मरेगा किधर जाएगा? स्वर्ग जाएगा। जैसे पहले से उनके बाप दादा की प्रॉपर्टी है, खरीद के रजिस्टर करके रखा है। किस आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर मैं आज की रात मरता हूं तो मैं स्वर्ग ही जाऊंगा? इसकी गारंटी आपके पास कहां से आ गई?
क्या खुदा ने आपको लिख के दिया है? खुदा ने आपको लिख के दिया है क्या? फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। मैं कई बार रिक्शे वालों को पूछता हूं, भाई साहब आपका मोक्ष हो गया? वो कहते क्या मोक्ष, उनको मूछ पता है, मूछ, उनको मोक्ष नहीं पता। उसका एकदम साफ सरल अर्थ बताना चाहता हूं। मोक्ष का मतलब है मुक्ति, लेकिन क्या चीज से मुक्ति? पापों से मुक्ति। आज हर एक व्यक्ति को पाने की बड़ी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी माफी, उसकी माफी जन्नत जाने के लिए काफी है। माय गॉड, आपको कुछ समझा ही नहीं। उसकी माफी जन्नत जाने के लिए काफी है। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमें माफ कर दे, हमें क्षमा कर दे, तो हम 100% स्वर्ग जा सकते हैं, और माफ करने को तैयार भी है। क्या आप पश्चाताप करने को तैयार है क्या? यहां ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अपने पाप के लिए माफी नहीं मांगा? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूं? आपने जिंदगी में सब कुछ किया, खाया पिया घूमा फिरा ऐश किया, पर कभी भी आपने खुदा से अपने पाप के लिए पश्चाताप नहीं किया, माफी नहीं मांगा? कितने लोग चाहते हैं कि आज उनके अंदर का पाप जो है वो बाहर आ जाए और खुदा उनके अंदर आ जाए? कितने लोग चाहते हैं? जिनके अंदर आया है उनको भी चाहिए डबल डोज। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके दिल में आए और आपका पाप सब खत्म कर दे? अपने हाथ को उठा के रखो और एक छोटी सी प्रार्थना, अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो, हाथ उठा के रखो, कहो प्रभु यीशु, आज मैंने आपके बारे में सुना कि आप मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आए, अपना लहू बहाया, अपनी जान दी। यीशु मसीह, मैं ये विश्वास करता हूं ये सच है, मेरे ऊपर दया करो, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मेरे जीवन के सारे पापों के लिए मैं पश्चाताप करता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं, आपके लहू से मुझे धो दो, शुद्ध कर दो। यीशु मसीह, आप मेरे दिल में आ जाओ, मेरा जीवन मैं आपको सौंप देता हूं। यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करता हूं, सुन और कबूल कर, आमेन। हालेलुया। क्या विश्वास करते परमेश्वर यहां पे है? मैं इस समय 2-3 मिनट लूंगा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। यहाँ पे जितने भी, ध्यान से सुने, कोई तरह की गड़बड़ी नहीं चाहिए, यहाँ पे जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको संतान नहीं है, वे लोग जल्दी से खड़े हो जाएं। मैंने कहा जिनको भी आप अगर ये देखना चाहते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे है, उसकी आशीष को आप देखना चाहते हैं, आप मुझे ना देखे, उस परमेश्वर को देखे, क्योंकि मैं कुछ भी आपको देने वाला नहीं हूं, मैं आपके लिए कुछ भी करने वाला नहीं हूं सिवा दुआ के, लेकिन आज प्रभु तुम्हारी झोली को भरने वाला है। हालेलुया। जितने भी लोग यहां पे हैं जिनको संतान नहीं है और आप बच्चे के लिए तरस गए, वे लोग खड़े हो जाएं जल्दी से। हम चाहेंगे हाथ उठा ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग खड़े हैं, सो अपने हाथ को उठा ले। जिनको भी औलाद नहीं है, आप औलाद पाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको औलाद की आशीष देना चाहता है, आप अपना दाहिना हाथ उठा ले जल्दी से। ओके, जितने भी लोग जॉब नहीं है, अच्छा जॉब नहीं है, काफी समय से आप अच्छे जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग जल्दी से हाथ उठा ले। अच्छा जॉब नहीं आपके पास, हो सकता है काम चलाऊ जॉब होगा, मैं उस बात की नहीं कर रहा हूं, एक अच्छा जॉब आप जो चाहते हो आपको नहीं है, आप उसे पाना चाहते हो, हाथ उठा ले। जिनके भी शरीर में जहां कहीं पे भी गांठ है, गांठ याद रखिएगा,
पूरे सर से लेकर पैर तक कहीं भी आकर आपके शरीर में गांठ है गांठ, छोटी बड़ी कुछ भी, ऐसे लोग जल्दी से हाथ उठा ले। जिनके बालों में समस्या है, कोई भी समस्या बालों को लेकर, कोई भी समस्या बालों को लेकर, बालों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या अगर आपके आपके बालों में है, हम चाहते हैं आप हाथ उठा ले। शायद जो चीजें मैं कह रहा हूं आपको बहुत उठपटांग लगता होगा, बहुत अजब लगता होगा, लेकिन ये सच्चाई है। हालेलुया। हम कुछ समय पहले हम कानपुर गए थे, हमने कहा जितने लोगों को बालों में कोई समस्या है, बाल झड़ता है या बाल में डैंड्रफ है, जू है, ऐसे लोग हाथ उठा ले। वहां बहुत सारी औरतें थी, सबको हंसी आ गई, सबको हंसी आ गई। हमने कहा कि हम प्रार्थना करने वाले हैं और हमने प्रार्थना किया। दूसरे दिन ही एक आई, बोलती है मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया, गिने चुने बाल, उसको ऐसे गुट्टे गुट्टे बाल आते थे, उसके सर में डैंड्रफ इतने थे ना, बिन बोले ऐसे टपकते थे, अभी ऐसा करने पे भी नहीं मिलते। आपको पता होना चाहिए बाल उगाने वाला आप और मैं नहीं, खुदा है। अगर खुदा बाल उगा सकता है तो बालों में चंगाई भी ला सकता है। हालेलुया। तो मैं जो कुछ कह रहा हूं, जरा भी मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, मैं सीरियसली आपके लिए दुआ करने वाला हूं। और मुझे पता है, मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि परमेश्वर इन चमत्कारों को तुम्हारी जिंदगी में करने वाला है। हालेलुया। ध्यान से सुने, जिनको भी बच्चे नहीं है वे लोग हाथ उठा ले, जिनको जॉब नहीं है वे लोग हाथ उठा ले, जिनको भी शरीर में कहीं पे भी गांठ है हाथ उठा ले, और जिनको हड्डियों का दर्द है, हो सकता है बैक पेन, हो सकता है बहुत सालों से, हो सकता है घुटने का दर्द होगा, शोल्डर में दर्द होगा, या एड़ी में दर्द होगा, या आपका एक्सीडेंट हुआ रहेगा, कुछ फ्रैक्चर हो गया रहेगा, इंजर्ड हो गया रहेगा, ऐसे लोग जल्दी से हाथ उठा ले। जिनको भी बॉडी में एलर्जी और कमजोरी, बहुत सारे लोगों के शरीर में कुछ ऐसी एलर्जी होती है जो किसी को बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, और वे लोग उस कमजोरी में जी रहे हैं। तो अगर किसी के बॉडी में किसी भी तरह की एलर्जी है, सर से पैर तक कहीं पे भी, वे लोग हाथ उठा ले। और जिनके बॉडी में बहुत वीकनेस, हमेशा कमजोरी और थकान महसूस होती है, वे लोग हाथ उठा ले। जिनको भी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर और कोई बीमारी हो सकती है आपके ब्लड में, आपके बोन में, या आपके बॉडी में, वे लोग हाथ उठा लें। जिनके सर पे कर्जा है या फिर आपके पैसे अटके हैं, वे लोग हाथ उठा लें। जिनके जीवन में, घर में शांति नहीं है, हमेशा झगड़े 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 झगड़े, हमेशा माहौल बिगड़ते रहता है, वे लोग हाथ उठा लें। जिनको रात को नींद नहीं आती है बराबर से, नींद नहीं आती है, नींद का प्रॉब्लम है, वे लोग हाथ उठा ले। जिनको बहुत ज्यादा नींद आती है, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सोते हैं, ऐसे भी लोग हाथ उठा ले, आज आपकी नींद लेवल में हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं? और एक चीज, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, यहां नहीं आया, आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, या फिर गांव में बीमार है, या हॉस्पिटल में वो एडमिट है, तो हम चाहते हैं कि हाथ उठा ले। परमेश्वर आपके घर में बीमार पड़े व्यक्ति को, हॉस्पिटल में एडमिट व्यक्ति को परमेश्वर चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे पास्टर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, खुदा कुछ भी कर सकता है, खुदा कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। दो तीन संडे पहले हमने ऐसा कहा था कि जिनके घर में जो लोग बीमार हैं उनके लिए हाथ उठाओ, तो कई लोगों ने हाथ उठाया था, और प्रार्थना के बाद उनके घर का व्यक्ति चंगा हो गया। खुदा कुछ भी कर सकता है।
हालेलुया। इतना तो आप विश्वास करते हैं, माना मैं कुछ भी कह सकता हूं और कर कुछ नहीं सकता, माना मैं कुछ भी कह सकता हूं कर कुछ नहीं सकता, लेकिन वो कुछ भी कर सकता है। करने वाला कौन है? कौन है? सो आपको विश्वास है? चलो अपना दाहिना हाथ उठाओ, आंखें बंद करो। जो जो चीजें मैंने कहा है परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वो करने जा रहा है, और आप देखोगे, यीशु के नाम में कह रहा हूं, इन चमत्कारों को तुम्हारी आंखें देखेंगी। हालेलुया। हम तो ऐसे व्यक्ति हैं, तुरंत दुआ करते हैं और तुरंत गवाही लेते हैं। हालेलुया। तुरंत दुआ करते हैं, तुरंत गवाही लेते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ दुआ करेंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, क्योंकि मुझे पता है दुआ करने के बाद एक भीड़ स्टेज पे आ जाएगी गवाही देने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इसके लिए मैं बुलाने से मैं रहा हूं, सब कुछ पेंडिंग रह जाएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज दुआ के बाद आप लोग खुद संडे को आके गवाहियां देंगे। हालेलुया। चलो तैयार हो जाओ, प्रभु आपके जीवन में कार्य करने वाला है। अगर किसी का और भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि हमने नहीं कहा और आपने हमें नहीं बताया, तो एक बात कहना चाहता हूं आपसे, कोई भी आपके अगर ऐसी समस्या है जो आपने छिपा के रखा है या फिर कोई समझने की कोशिश नहीं की आपके जीवन में, तो फिर से कहूंगा, वो सब कुछ जानता है। वो कहता है तेरे मांगने के पहले ही मुझे मालूम है कि तुझे क्या चाहिए। सो प्रभु देने के लिए तैयार है। अपनी आंखें बंद कर ले और अपना दाहिना हाथ उठा के रखे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्ग के परमेश्वर, तूने कहा जो भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे रचयिता, मेरे हृदय के राजा, इस समय हम तुझसे दुआ करते और मांगते प्रभु जी, जैसा हमने लोगों के लिए कहा वैसा हम दुआ करने जा रहे परमेश्वर। जितने भी लोग यहां पे हैं यीशु मसीह, ऐसे लोग जिनको अच्छे जॉब की तलाश है, बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की, बहुत हाथ पैर मारा, बड़ी सिफारिश की, लेकिन अच्छे जॉब नहीं मिले, अच्छे जॉब के लिए तरस गए, अब तुझसे दुआ करता हूं अच्छे जॉब की आशीष इन पे बरसने दे। अच्छे जॉब की आशीष को यीशु के नाम में रिलीज, रिलीज, रिलीज करते हैं। जिनको बच्चे नहीं हैं, बांझपन का श्राप इसी समय उनके ऊपर से काट देते हैं, और औलाद की आशीष को यीशु नासरी के नाम में रिलीज करते हैं। हर एक बांझ जो है वे बच्चे को प्राप्त करे, वे प्राप्त करे, बच्चे को प्राप्त करे, यीशु नासरी के नाम में उन्हें औलाद प्राप्त हो, और बहुत जल्द ये खुशखबरी उनके जीवन में सुनाई दे। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोगों के शरीर में गांठ है, चाहे छोटी है, बड़ी है, या कोई बड़ा गोला है परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय वो सारी गांठों को, हर एक प्रकार की गांठ को, गोले को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, इनके शरीर से इसी समय निकल जाए, चला जाए, गायब हो जाए, सारी गांठें, सारा गोला गायब, 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 जीसस ने। जितनों को परमेश्वर बालों की समस्या है, चाहे वो जू हो, चाहे लीक हो, चाहे डैंड्रफ हो, चाहे बालों के झड़ने की समस्या हो, इस समय वो सारे लोग जिनको बालों की समस्या है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे लेडीज है, उनके बालों में चंगाई की सामर्थ यीशु के नाम में रिलीज,
रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं। इनके बालों में चंगाई, बालों में चमत्कार, चमत्कार जीसस ने। जिनको हड्डियों का दर्द है, जिसके भी शरीर में हड्डियों का दर्द है प्रभु, सर से लेकर पैर तक जहां पे भी हड्डी का दर्द है, कमर का है, घुटने का है प्रभु, गर्दन का है, एड़ी का है, या किसी का एक्सीडेंट हुआ, पैर फ्रैक्चर हो गया है, या फिर जो लोग ऐसे हैं बराबर से चल नहीं सकते, यीशु मसीह के नाम में कहता हूं कि जो लोग बराबर से चल नहीं सकते वे लोग यीशु मसीह के नाम में एकदम सही रीति से चलने लगे। परमेश्वर जिनकी हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं, टूटी हैं, यीशु के नाम में जुड़ जाए, सीधी हो जाए। परमेश्वर जिनके भी बॉडी में जहां पे भी हड्डियों का दर्द है, पूरे दर्द को दूर करते हैं, हड्डियों में चंगाई बोलते 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 हैं, हड्डियों में चंगाई, 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 जीसस ने। जिनको भी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या है, यीशु मसीह के नाम में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या को जड़ से यीशु के नाम में खत्म करते हैं। कोई डायबिटीज नहीं और कोई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं, चंगाई को रिलीज करते हैं जीसस ने। जिनके सर पे कर्जा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं वे लोग सारे कर्जे से मुक्त हो जाए। कर्जे से मुक्ति के लिए हम दुआ करते हैं और ऐसा अभिषेक को इस समय, आशीष को रिलीज करते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, किसी के भी सर पे कोई भी कर्जा ना रहे। जिनके पैसे यहाँ वहां अटके हैं, जिस किसी के पास अटके हैं, उन पैसों को छुड़ाते हैं यीशु नासरी के नाम में और इनके पैसे इनके पास लौटाते हैं जीसस ने। और जिनके काम धंधे में बरकत नहीं है, आज से उनके काम में धंधे में बरकत की आशीष यीशु नासरी के नाम में रिलीज, रिलीज करते हैं। लोग देखे पगार बढ़ रही है, प्रमोशन हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, धंधे व्यापार अच्छे से चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ऐसी आशीष को रिलीज करते हैं। परमेश्वर जिनको रात को नींद आने की समस्या है, नींद बराबर से नहीं आती है, हम कहते हैं यीशु नासरी के नाम में आज से उन्हें अच्छी नींद आए। और जिनको जरूरत से ज्यादा नींद आती है, उनकी वो एक्स्ट्रा नींद यीशु के नाम में उसे उड़ा देते हैं और वे देखे उन्हें प्रॉपर जितनी नींद की जरूरत है उतनी ही नींद आ रही है। परमेश्वर और जिन लोग के बॉडी में किसी भी तरह की एलर्जी है, कमजोरी है, वीकनेस है, इसी समय उनके बॉडी में बल को रिलीज करते हैं और बॉडी के एलर्जी में परमेश्वर चंगाई को, चमत्कार को रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं। प्रभु तेरे पवित्र हाथ को बढ़ा इस समय, ये सारे लोग जितनों ने हाथ उठाया है इन्हें छू ले मेरे खुदा, इन्हें छू ले, इनकी जिंदगी को छू ले, इन्हें सर से पैर तक छू ले, इन्हें हम ब्लेस करते हैं यीशु नासरी के नाम में। हील हो जाओ, बी हील, बी हील, बी हील, बी हील राइट नाउ जीसस नेम। यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम है चमत्कार, यीशु के नाम है ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स रिलीज करते, रिलीज करते जीसस ने। हालेलुया, मुझे पता है सारी दुआ यीशु मसीह ने सुनी है और उसकी उपस्थिति में आपसे कहना चाहता हूं, ये जो आपने सुना इसे आप हल्के में ना लेना, इसका उत्तर आपके आंख के सामने आने जा रहा है। हालेलुया, आप में से बहुतों को चंगाई मिल चुकी है, लेकिन 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 हम गवाही नहीं लेंगे। क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूं, कितने लोगों को चंगाई मिली है, शरीर में चंगाई मिली है? आप अपने हाथ को उठा सकते हैं, जिनको भी शरीर में चंगाई मिली है आप चेक कर सकते हैं और अपने हाथ को उठा ले। अगर आपके शरीर में आपको चंगाई मिली है तो आप देख सकते हैं, पीछे मुड़ के देख सकते हैं, ये वे लोग हैं जिनको अभी का अभी चंगाई मिली है। हालेलुया, हालेलुया, ये है परमेश्वर,
कुछ लोग यहाँ सर्किट लोग होंगे, कहेंगे ये इनके ही लोग हैं, इनको सिखाया होगा, इनको पैसा दिया होगा। यीशु मसीह जिंदा सच्चा परमेश्वर है, जो करता है असली काम करता है, नकली नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है परमेश्वर ने कईयों को चंगा किया है। क्या तुमने जो हाथ उठाया वो सच था? क्या फिर से तुम्हारे हाथों को देख सकता हूं जिनको भी चंगाई मिली? ये देखिए, क्या सबको मैंने रिश्वत दी है क्या? कितने तो ऐसे जिनको मैं पहचानता भी नहीं, वो भी मुझे नहीं पहचानते, पहली बार आए, लेकिन परमेश्वर ने आपको छुआ है और उसने आपको चंगा किया है। और जो जो दुआ मैंने यहाँ की है, फिर से कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, उसकी आशीष काटने के लिए, वो चमत्कार को देखने के लिए तैयार रहो। अगले जन्म में नहीं, आने वाले साल में इन चमत्कारों को तुम देखोगे। और कई लोग तो संडे गवाही देंगे बहुत सारी चीजों की। जो भी हमने दुआएं की है उसको परमेश्वर ने सुना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग बैठ जाए, बैठ जाए।